क्या हो गया भाई, दे रहा हूँ ना यार, आप जबरदस्ती क्यों करो, दे रहा हूँ मैं, एक मिनट छोड़ दो यार, दे रहा हूँ। अच्छा ये तो हमने सिर्फ एक सीन क्रिएट किया था, दर हकीकत यही है कि आज शहर भर में जिस तरह डकैती के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह लोगों को उनकी कीमती अशिया से महरूम किया जा रहा है, हत्ता के मज़ाहमत पर उनकी जानें भी ले ली जाती हैं, ये इतना खौफनाक मंजर होता है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इस शहर में शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब तक इस मुसीबत से, इस इंसिडेंट से बचे होंगे, और जो अब तक इस इंसिडेंट से बचे हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें हमेशा बचाए रखे। लेकिन जिनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, मैं खुद 5 मरतबा इस हादसे का शिकार हो चुका हूँ, और आखिरी बार जब मुझसे मोबाइल छीना जा रहा था, एक पल में तो महसूस हुआ बस मैं इस पर टूट पड़ूँ, लेकिन फिर अचानक घर वालों का ख्याल आता है जहाँ आदमी सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाता है। इस शहर में शायद ही अब कोई ऐसा बंदा बचा हो जो इस हादसे से दो चार ना हुआ हो। कराची शहर के बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी, काशान भी, फनफिन वाले भी, और बहुत सारे लोग भी इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। जो अब तक इस इंसिडेंट से बचे हुए, अल्लाह ताला उनको हमेशा महफूज रखे। तो ये गोशाए आफियत यही कॉन्सेप्ट है कि जहाँ भी आप मौजूद हों, आपके दिल से, आपके जहन से आपका कीमती सामान छिन जाने का खौफ जब निकल जाता है, वही गोशाए आफियत है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, इस शहर, इस मुल्क की हिफाजत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।